मेरे पास कई सारे कमेंट आ रहे थे, लोग उसमें ये पूछ रहे थे कि प्रेगनेंसी का पता सबसे पहले कैसे लगाएं। सो आज की इस वीडियो में आपको इसी क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे प्रेगनेंसी के खास लक्षण के बारे में बताऊंगा जो प्रेग्नेंट होने के अगले दिन के बाद ही महिला को महसूस होने लगती है। सो वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा जरूर देखें। नंबर वन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं तो आपका वाटर इंटेक बढ़ जाता है और वाटर इंटेक बढ़ने की वजह से आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। बार बार आपको वॉशरूम यूरिन करने के लिए जाना पड़ता है। तो अगर आपको इन दिनों वॉशरूम में बार बार यूरिन करने के लिए जाना पड़ रहा है तो हो सकता है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हैं। लेकिन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम किसी दूसरे कारण से भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन से भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। तो अगर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के साथ आपको जलन भी है, दर्द भी है, तो हो सकता है कि ये फ्रीक्वेंट यूरिनेशन प्रेगनेंसी का नहीं है बल्कि आपको इन्फेक्शन हो गया है। और अगर आपको सिर्फ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ आपको बार बार वॉशरूम जाने की प्रॉब्लम हो रही है, उसमें कोई भी बदबू नहीं है, तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। नंबर टू, ब्रेस्ट टेंडरनेस। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने लगता है और इस हार्मोन के बढ़ने के कारण आपके ब्रेस्ट की टेंडरनेस बढ़ जाती है। ब्रेस्ट को हल्का भी छूने पर आपको दर्द सा महसूस होता है और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपके शरीर में बढ़ना जरूरी है, तभी आपका प्रेगनेंसी सपोर्ट में रह पाता है। और अगर ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़कर तुरंत गिर जाता है, तुरंत कम हो जाता है, तो आपकी पीरियड आ जाती है, आपका मिसकैरेज हो जाता है। यही वो कारण है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे ये सवाल करते हैं कि क्या आपका इससे पहले मिसकैरेज हुआ है या नहीं, क्या आपकी ये प्रेगनेंसी फर्स्ट प्रेगनेंसी है या नहीं। अगर आपकी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो वो आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं ताकि आपका प्रेगनेंसी सपोर्ट में रह सके। नंबर थ्री, कॉन्स्टिपेशन। प्रेग्नेंट होने के बाद सिर्फ आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही नहीं बढ़ता है, आपके शरीर में कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन भी बढ़ता है। ये वही हार्मोन है जिसे HCG के नाम से भी जाना जाता है। इसी HCG हार्मोन के वजह से आपकी प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी टेस्ट किट से कंफर्म हो पाती है, तभी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ पाता है। और जब ये दो हार्मोन आपके शरीर में तेजी से बढ़ने लगता है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बिगड़ जाता है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, अपच की प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा गैस बनने लगता है, आपको वोमिटिंग की प्रॉब्लम भी हो जाती है, जी मिचलाने भी लगता है। तो अगर आपके साथ इन दिनों इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो हो सकता है कि आप 100% प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। नंबर फोर, थकावट। अगर मैं आपको अर्ली प्रेगनेंसी के मोस्ट कॉमन सिम्टम के बारे में बताऊं तो वो थकावट ही है। ये एक ऐसा सिम्टम है जो हर महिलाओं को प्रेग्नेंट होते ही जरूर महसूस होती है। जब आप प्रेगनेंसी को कंसीव कर लेती हैं तो आपके शरीर को पहले से ज़्यादा काम करना पड़ता है ताकि आपके गर्भ में बच्चे का विकास किया जा सके। और ज़्यादा काम करने के लिए शरीर को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है और ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है। तो अगर ये सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट आपके शरीर में अचानक बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको थकावट महसूस ज़रूर होगी। तो अगर आप इन दिनों बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस कर रही हैं, आपको कमजोरी सा महसूस होता है, चक्कर काफी ज्यादा आ रहा है, आपका जी मिचलाता है, आपको मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो गई है, चिड़चिड़ा सा काफी ज्यादा आप महसूस करने लगे हैं, आपको नींद काफी ज्यादा आ रही है, तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। नंबर फाइव, वीडियो के लास्ट में मैं आपको टिप्स देना चाहूंगा। अगर आप 100% श्योर हो चुकी हैं कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो ये आपकी प्रेगनेंसी मिसकैरेज भी हो सकती है। प्रेगनेंसी कंसीव करने के तुरंत बाद जब आप कंफर्म हो जाती हैं कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपके इस प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने में मदद कर सकती है। क्योंकि ज़्यादातर जो प्रेगनेंसी होती है वो प्रेगनेंसी के शुरुआत के 3 महीने में ही मिसकैरेज हो जाती है। तो शुरुआत का 3 महीना आपके लिए बहुत ही खास है, इस पर आपको अपने प्रेगनेंसी को ध्यान देना जरूरी है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगी तो वो आपको कुछ सप्लीमेंट रिकमेंड करेंगे, जैसे कि वो आपको आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट प्रेस्क्राइब करेंगे। तो ये सारे सप्लीमेंट का इस्तेमाल आपको जरूर करना है क्योंकि इससे आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि खाने पीने से सारा न्यूट्रिशन ले पाना ये पॉसिबल नहीं है, और प्रेग्नेंट होने के बाद महिलाएं काफी ज्यादा केयरलेस हो जाती है, वो अपने प्रेगनेंसी पर ध्यान नहीं दे पाती है, तो इसीलिए आपको सप्लीमेंट का इस्तेमाल जरूर करना है। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के तुरंत बाद
करना। शुरुआत के 3 महीने रेस्ट करने की कोशिश करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको रेस्ट करना है, ट्रैवल नहीं करना है और आपको जंक फूड नहीं खाना है, अनकुक फूड नहीं खाना है, ज्यादा सीढ़ियां आपको नहीं चढ़नी है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि पूरे 9 महीने तक आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ रहे तो आपको अपने डॉक्टर के फॉलोअप में रहना है, डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए जरूर जाना है। डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्रिमेस्टर या सेकंड ट्रिमेस्टर में कुछ टेस्ट या कुछ अल्ट्रासाउंड करने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे कि वो आपसे डायबिटीज, थायराइड या CBC टेस्ट करवाने के लिए कह सकते हैं। तो आपको ये सारे टेस्ट और अल्ट्रासाउंड जरूर करवाना है। पैसे बचाने के चक्कर में आप इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आपके प्रेगनेंसी के सेफ्टी के लिए ही होता है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है, नीचे आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।